नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल जेएसआर स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत से फ्रेंड्स का क्लर्क और स्टेनो का टेस्ट है, तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न था कि मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला किस राजा ने शुरू किया, तो इसका उत्तर होगा अजबर सेन। तो बहुत से मित्रों ने मुझे इसका जवाब दिया, तो आप सबका दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो इसका आंसर होगा धर्मशाला। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका उत्तर है चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका उत्तर है सतलुज नदी। अगला प्रश्न है, हिमाचल का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो ये तो आप सब जानते हैं कि कृषि। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर होगा शिमला में। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो इसका उत्तर होगा रेणुका झील। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो ये है गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर है चंबा जिला। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं, तो इसका उत्तर है 3। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो इसका उत्तर है शिमला। अब इंडिया का जीके है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की, तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी जी ने। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ गगनयान मिशन हेतु समझौता किया है, तो इसका उत्तर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर होगा अंडमान में। अगला प्रश्न है, भारत में ऊन की पहली मिल 1870 में लगाई गई थी, वो कहाँ पर स्थापित की गई है, तो इसका उत्तर है कानपुर में। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए DGP नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम है दिलबाग सिंह। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, किस सैनिक बल ने NSDC के साथ कौशल विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो इसका आंसर है BSF। अगला प्रश्न है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, दोहरा शतक मनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो उनका नाम है मिताली राज। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, तो इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। अब साइंस क्वेश्चन है, पानी किस गैस से मिलकर बनता है, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो इसका आंसर है क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है, बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है, तो इसका आंसर है नाइक्रोम का तार। अगला प्रश्न देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो इसका आंसर है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है, पके हुए अंगूरों में क्या होता है, तो इसका आंसर है ग्लूकोज। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पदार्थ है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो इसका आंसर है अभ्रक। अगला प्रश्न देखिए, बर्फ पानी में क्यों तैरता है, तो इसका आंसर है क्योंकि इसका सापेक्षित गुरुत्व पानी के गुरुत्व से कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, किन किन धातुओं को मिलाकर पीतल बनाते हैं, तो इसका आंसर है तांबा व जस्ता। अगला प्रश्न है, आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है, तो इसका आंसर है एस्बेस्टस। लास्ट प्रश्न है, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है, तो इसका आंसर है रेडियम। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज का प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ऑप्शन है उमा भारती, ममता बनर्जी, एम फतिमा बीवी या सरोजनी नायडू। तो फ्रेंड्स,
इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।